Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज हम जिस रेसिपी को शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली कैबेज की सब्जी है। कैबेज यानी पत्ता गोभी, और ये बहुत ही कॉमन सब्जी है जिसे हम घर में अक्सर बनाते हैं विंटर्स में, समर्स में, और एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जिसे हम अक्सर नूडल्स में, मोमोज में भी यूज़ करते हैं। पर पत्ता गोभी की एक अच्छी ब्यूटी ये है कि आप इसे कच्चा करके भी खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, सलाद में खा सकते हैं। पर हम जैसे ट्रेडिशनल घर में बनाते हैं ज़्यादातर हम इसको ढक करके कुक करते हैं या थोड़ा सा मेल्ट करके। पर आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा उसका एक सबसे अच्छा जो फैक्टर है वो ये है कि ये सब्जी जो है आधी कच्ची यानी कि बिना ढके पकाई जाएगी, जिससे कि कम गलेगी और जो है थोड़ा सा आपको क्रंची सा टेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा फायरी टेस्ट मिलेगा, थोड़ा स्पाइसी टेस्ट मिलेगा। सो मल्टीपल टेस्ट एक ही सब्जी में मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसको थोड़ा सा चाइनीज़ ब्लेंड भी देंगे विद द हेल्प ऑफ शेजवान चटनी, और उसके लिए हम अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए, जो मेन हमारी इंग्रेडिएंट है वो है हमारी लॉन्ग चॉप्ड, फाइन चॉप्ड, जैसा भी आपको पसंद हो। फाइनली चॉप्ड हमें कैबेज चाहिए, और उसके बाद लॉन्ग कट जो है अपनी अनियन, नॉर्मल जो बड़े साइज़ का आप प्याज ले सकते हैं जिसको आप लंबे लंबे काट लेंगे यानी लॉन्ग चॉप्ड कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है जो हमें स्पाइसी ब्लेंड देगा, इसका थोड़ा सा चाइनीज़ ट्विस्ट देगा, वो है हमारी शेजवान चटनी। हमने चिंग्स की सीक्रेट शेजवान चटनी ली है, आप कोई भी ले सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। इसके अलावा थोड़ा सा डाइजेस्टिव बनाने के लिए, क्योंकि हम इसको थोड़ा कच्चा कुक करेंगे तो थोड़ा सा डाइजेशन में कोई इशू ना हो, इसलिए हम यूज़ करेंगे मेथी जो कि मेरा फेवरेट है, एंड हींग। हींग इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर स्टमक, तो हमेशा इसके लिए आप खाने में इसको यूज़ करिए, क्योंकि एक तो अच्छी अरोमा देता है, साथ ही साथ एक इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो हेल्दी फैक्टर, हेल्थ फैक्टर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको भी एनहांस करता है। सो अभी हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग को, और इसके लिए सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा ऑयल देंगे। एक नॉन स्टिक पैन लीजिए, जिससे नॉन स्टिक पैन का एडवांटेज होता है क्योंकि इसमें तेल हम कम यूज़ करते हैं और कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। सो हमने थोड़ा सा तेल इसमें लिया है। आपको एक अच्छी चीज़ बताएं कि इसको बनाने के लिए, कैबेज को बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कैबेज के लीव्स होती हैं वो थोड़े समय बाद पानी छोड़ने लगते हैं, तो पानी के लिए वजह से, स्टीम की वजह से मैक्सिमम वैसे ही कुक हो जाती है, और तेल कम भी यूज़ करेंगे तो आप पका सकते हैं। दूसरी बात, जब आप क्या कहते हैं शेजवान चटनी यूज़ करेंगे तो इसमें भी थोड़ी सी तेल की कंटेंट होती है। दोस्तों, आप शेजवान चटनी ही मार्केट से खरीद सकते हैं, दैट इज़ रेडीमेड। इसके अलावा आप साथ में इसको घर में भी कुक कर सकते हैं, और घर की कुक करी हुई ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसे आप एक महीने, डेढ़ महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम, आप कमेंट करें तो हम इसके लिए एक रेसिपी बाद में आपके लिए और हम लेकर आएंगे और अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। सो तेल को हीट होने देते हैं थोड़ा सा, तेल अभी हीट हो रहा है। सो हीट कर होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मेथी डालेंगे, मेथी थोड़ी सी जल जाए यानी कि थोड़ी सी चटकने लगे, पक जाए, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, एंड जीरा डालने के बाद प्याज डाल देंगे। सो थोड़ा वेट करते हैं, देखिए हमारी मेथी अभी चटकना शुरू करी है, ये हीट होने की पहचान भी है। शुरुआत में भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथी थोड़ा सा रेडिश हो जाती है और थोड़ा सा पक जाती है, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा फ्लेवर, जो कड़वाहट है वो निकल जाती है। नेचुरली मेथी बहुत कड़वी होती है, लेकिन अगर आप मेथी को इसके नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है आपके गैस और पेट रिलेटेड, जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको, खासकर कॉन्स्टिपेशन में। तो अभी चटकने लगी है तो हम इसमें जीरा डालेंगे, एंड तेल क्योंकि हीट हो गया है तो जीरा तुरंत चटकने लगेगा, फिर हमें तुरंत ही अनियन डाल देनी है। हमने फ्रेंड्स बताया था शुरुआत में ही, ये जो हमारी सब्जी है इसको हम थोड़ा सा कच्चा कुक करेंगे। तो कच्चा कुक करने के लिए हमें प्याज के साथ ये याद रखना है कि प्याज को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही कुक करना है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा जले नहीं, ज़्यादा डार्क ब्राउन। कई सारे लोग प्याज को डार्क ब्राउन होने तक, इवन ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करते हैं, उतना कुक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है अपना फ्लेवर हमारी कैबेज को भी साथ में दे सके। क्योंकि अगर एक बार इसको पूरा कुक कर देंगे तो इसका जो तीखा सा फ्लेवर होता है वो निकल जाता है, और प्याज का जो मीठा फ्लेवर है वही बचता है। तो मॉडरेटली इसको आप कुक करेंगे, हल्का सा, एक बार थोड़ी सी ये गल जाए हल्की सी, तो उसके बाद हम अगला अपना जो है कैबेज डाल देंगे। सो थोड़ा देर आप तेज आंच पर इसको एक मिनट तक लगभग चलाएंगे,
एक मिनट चलाने के बाद आप इसमें कैबेज डाल देंगे। और सबसे अच्छी बात है इस सब्जी की कि एक बहुत ही तेज़ी से बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। और सबसे अच्छी बात कि आपको इसको ढक के नहीं पकाना है, हम इसको पूरी तरीके से कंटिन्यूसली ओपन करके ही पकाएंगे। जो थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा पक्का था और थोड़ा सा मीठा कच्चा, कई तरह के टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे एक साथ। वेट करते हैं थोड़ी देर इसको और रेस्ट करने देते हैं। तो इसको प्याज एक ऐसी चीज़ है जो अकेले अलग अलग तरह के टेस्ट देती है। आप इसको मीठे फ्लेवर में, जैसे आप कुछ पनीर की सब्जी बनाते हैं तो प्याज के लिए आप इसको क्रश करके डालेंगे और ज़्यादा देर भूनेंगे तो ये मीठा सा फ्लेवर देने लगती है, इसकी तीखापन निकल जाता है। इसको थोड़ा सा कच्चा रखेंगे तो आपको मॉडरेटली तीखा यानी कि पंजेंट सा फ्लेवर देगी, और बिल्कुल कच्चे खाएंगे तो आपको पता है कि ये कच्चे सा फ्लेवर देती है। और सबसे इसके लिए जो इसमें एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं वो ऑयल्स बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा प्याज को, और प्याज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताऊं कि हमेशा प्याज को तुरंत ही काट के यूज़ करिए, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि जो प्याज जैसे जैसे रखी जाती है, जितनी देर रखी जाती है ओपन एयर में, उतनी ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसके जो ऑयल्स हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके जो है थोड़ा सा इसको टॉक्सिक बनाते रहते हैं। तो ये हमारा पार्ट वन हो गया। अभी देखिए हल्की सी ये गल गई है तो हम इसमें कैबेज को डाल देंगे, वेरी सिंपल, थोड़ा सा फैला फैला के डालेंगे जिससे कि ये पूरा एरिया को कवर कर ले। एंड फ्रेंड्स, आप पत्ता गोभी को काटने से पहले ही धुलिए, इसमें जो है थोड़ा सा अच्छी चीज़ ये होती है कि इसको ज़्यादा बाद में धुलने पर पानी बहुत सोख लेती है, तो कोशिश करिए कि जो है आप पत्ता गोभी को पहले ही धुल लीजिए, बाद में धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने पत्ता गोभी इसमें डाल दी है, कैबेज के सुखड़े पत्ते जो हमने फाइनली चॉप कैबेज को इसमें डाल दिया है, और हम इसको ओपन, हमने पहले ही बताया था तेज आंच पे पकाना है, तो इसको कुक होने देते हैं, थोड़ा सा हिलाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी प्याज है और जो जीरा है वो ऊपर आ जाएगा। अब ये जो थोड़ा सा एक इवनली मिक्स हो गई है, और इसमें अभी हम हींग डाल देते हैं थोड़ी सी। आप हींग यूज़ करना चाहते हैं, पसंद करते हैं तो हींग डाल लीजिए, अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हींग भी पड़ गई है अभी, अब हम इसमें थोड़ी देर नमक और शेजवान चटनी डालेंगे, और इसके लिए हम थोड़ा इसको कुक होने देंगे। नमक डालते हैं इसमें नमक डालेंगे तो नमक क्या होता है कि जो कैबेज की सेल्स होती है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जल्दी से पकने लगती है। नमक थोड़ा कम ही क्वांटिटी में रखते हैं, क्योंकि अपनी चॉइस के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं, और नमक हमने ऐड कर दिया अभी। अब इसको हम ओपन थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कुक होने देंगे, क्योंकि नमक एक बार इवनली मिक्स हो जाएगा तो ये तेज़ी से पानी छोड़ना शुरू कर देगी। फ्रेंड्स, इसमें जो है हमें आंच को हमेशा फुल रखना है, यानी फुल फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, और थोड़ा सा इसको नीचे सरफेस के साथ टच होने देना है, क्योंकि जो आपको फायरी टेस्ट मिलेगा वो इसके सरफेस के साथ टच होने पर ही मिलेगा, यानी जो स्मोक का फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर, वो आपको इसके टच होने पर ही, थोड़ा सा जलेगी तो आपको स्मोक का फ्लेवर देगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद फिर हम दोबारा इसमें शेजवान चटनी बाद में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम वापस देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि इसको हल्का सा लगने देना है नीचे। देखिए, हल्का सा रेड जो है नीचे जो पकड़ रहा है, ये जो है इसको हल्का सा फायरी टेस्ट देगा, क्योंकि नीचे से ये जो है जलती है जो ये कैबेज, तो इसमें स्मोक सा क्रिएट होता है, और ऊपर वो स्मोक आते आते बाकी जो रिमेनिंग पत्ता वो भी है उसको जो है ये क्या कहते हैं, स्मोक का फ्लेवर देता है। तो स्मोक के फ्लेवर के बाद अब अपना अगला टर्न आता है, हमने बताया था आपको इसको मीठी, क्योंकि कैबेज खुद से होती है और हमने स्मोक का भी फ्लेवर लिया। अब इसको हम हल्का सा चाइनीज ब्लेंड देंगे। चाइनीज ब्लेंड देने के लिए हमने जो है मेरा सीक्रेट शेजवान चटनी, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। सो ऐड करते के बाद, क्योंकि हमारी कैबेज अब लगभग रेडी है, इसको ऐड करके थोड़ी देर केवल एक मिनट में और कुक करना है, तो हमने शेजवान चटनी इसमें डाल दी है। और शेजवान चटनी डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको नॉर्मली जो है मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके साथ आपकी जो कैबेज की सब्जी है
वो बनके एकदम तैयार हो जाएगी दोस्तों। और मैंने बताया था आपको कि ये जो सब्जी है ये पूरी तरीके से हमने बिना ढके पकाई है। बेसिकली जो कैबेज होती है, हमने पहले ही बताया था कि जो नमक होता है, नमक हमेशा कैबेज को गला देता है। और इसमें आपको चाइनीज फ्लेवर मिलेगा, इसमें आपको इंडियन फ्लेवर मिलेगा, इसमें आपको तीखा मीठा स्मोक का फ्लेवर मिलेगा। सो यू कैन से एक नॉर्मल सी कैबेज की सब्जी को एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके आप एक बेहतरीन सब्जी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इसमें राइस डाल के आप इसको फ्राइड राइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सब्जी से खाइए, इसको आप रोटी से खाइए, पूरी से खाइए, जैसे भी आपको पसंद है। तो देखिए हमारी सब्जी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। शेजवान मिक्स करके हमने एक बार कुक किया। इस पूरी सब्जी की जो ब्यूटी है वो ये है कि जो है आपकी सब्जी हर हमेशा खिली खिली देती है। तो एक बार हम इसको सर्व करके देखते हैं कैसी लगती है। तो सर्विंग के लिए हमने जो है दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सब्जी जो है तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर और कंट्रास्ट और दिख रहा है, और साथ ही थोड़ी सी आपको इसमें कच्चापन भी मिलेगा। सो सब्जी जो है, और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें जो है आपको तीखा मीठा स्पाइसी सा चाइनीज़ ट्विस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्मोकी फ्लेवर भी एंजॉय करने को मिलेगा। सो एक जब आप कुक करते हैं नॉर्मल कैबेज को, तो थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह से ट्विस्ट दें तो आप एक अच्छी और एक नए तरीके की सब्जी को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर इसमें आप कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ आपके और व्यूज़ हैं अगर इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके हमारे चैनल में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई नई रेसिपी हमें शेयर करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक चीज़ को, किसी स्पेसिफिक ट्रेडिशनल रेसिपी को एक नए तरीके फ्यूज़न तरीके से बनाने के लिए चाहते हैं, तो आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपने विचार अपने सुझाव ज़रूर हमें बताएं। और इसके साथ ही क्योंकि आपके सुझाव ही हमें जो है नए तरीके और नए तरीके की सब्जियों को और नए नए तरह के तरीके आपके साथ शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं। फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट भी करके बताएं, कुछ बुरा लगता है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, मोर इंटरेस्टिंग किचन आइडियाज, टिप्स एंड एवरीथिंग, प्लीज़ वॉच आवर चैनल, वॉच अदर वीडियोज पोस्टेड ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू। थैंक यू, थैंक्स अगेन, बाय।